हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो रामनवमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। तो मैंने आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया और अभी बज रहे हैं 4:30। और आपने कोयल की आवाज़ सुनी ना, मीठी मीठी, तो 4 बजे कोयल बोलना स्टार्ट कर देती है। और सुबह सुबह कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं तो काफ़ी देर तक ना मैं बैठ कर सुनती रहती हूँ। वैसे आज मैं लेट उठी हूँ, नहीं तो जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी ना तो 3:30 से 4 बजे का मेरा होता था कि मैं उठ जाती थी। मेरे पहले का व्लॉग्स देखिएगा, हमेशा 1 बजे ही मेरे उठने का टाइम होता था। इधर मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही है तो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन जिस दिन काम रहता है उस दिन मैं उठ ही जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे फिक्स टाइम पे उठ जाऊँ। और ऊपर झाड़ू पोछा हो गया, अब मैं नीचे जा रही हूँ। और ये नीचे वाली सीढ़ी है तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद पूरे घर में और सीढ़ी पर पोछा लगाऊँगी। ऊपर वाला सीढ़ी मैंने अभी ना तो झाड़ू लगाया है ना ही पोछा लगाया है, वो मैं शाम को झाड़ू लगाऊँगी। तो ऊपर वाली सीढ़ी और नीचे वाली सीढ़ी पर ना मैं झाड़ू पोछा लगाती रहती हूँ और सीढ़ी को हमेशा साफ़ रखें। कहते हैं कि सीढ़ी जो है राहु केतु से बिलोंग करते हैं, तो इस करके सीढ़ी को साफ़ रखनी चाहिए, हमेशा गंदगी नहीं रहनी चाहिए सीढ़ी पे। और इधर मेरे तेजस की साइकिल खड़ी है। यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करती थी, लेकिन मैं मंदिर ऊपर ले गई हूँ रूम में, तो करके यहाँ पे तेजस की साइकिल खड़ी है। और मेरे छोटे बाबू की साइकिल बीच वाले रूम में, गोसाई रूम में, वो अपनी साइकिल खड़ी करता है। उस रूम का कोई यूज़ ही नहीं होता है, सिर्फ पूजा करती हूँ उस रूम में। और ये सामने वाला फर्स्ट रूम है, तो यहाँ पे पापा सो रहे हैं और बगल में तेजस सो रहा है। तो तेजस और पापा साथ में सोते हैं और यशवीर मेरे साथ सोता है। तो इस रूम में मैं सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती हूँ और मेरा कोई काम ही नहीं होता इस रूम में आने का, क्योंकि तेजस ही पापा को ब्रेकफास्ट और डिनर वही ला कर देता है नीचे, या फिर हस्बैंड आते हैं। और जिस दिन नहीं रहते उस दिन मैं आती हूँ, नहीं तो मैं नहीं आती हूँ। और आंगन देखिए कितना बड़ा है, पूरे आंगन में झाड़ू लगानी है और गैलरी टाइप की चारों तरफ बनी हुई खिड़कियाँ हैं ताकि हवादार रहे पूरा घर। हवादार कितना रहता ये तो नहीं पता, लेकिन डस्ट से ना पूरा घर गंदा होता रहता है, डेली का यही है। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट काम में लग थक गई बहुत। जाते हो नहा लेते हो गया है घर का सारा काम, झाड़ू पोछा नहा लेते, उसके बाद फिर कान्हा को दूध दूंगी। मिलती हूँ नहाने के बाद। हे राम, किस सही में बड़ी थकावट हो रही है। हे मम्मी, पहले चाय बना कर पीऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। डस्ट पूरा अंदर चला गया है। जरी काली मिर्ची डालकर लाल चाय बनाऊंगी, पीऊंगी आराम से 1 गिलास भर कर, उसके बाद नहाने जाऊंगी। नहीं तो मेरी फिर आगे का काम उससे नहीं हो पाएगा, झाड़ू पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। आज रामनवमी है, चना मैं रात को सोची दूंगी फूलने के लिए। रामायण देखने के चक्कर में ध्यान से ही निकल गया, चना फूलने दी नहीं, तो अब सिर्फ हलवा पूरी का भोग लगा दूंगी और चावल और बड़ी की सब्जी बनाऊंगी, इसे ज्यादा मैं नहीं बना पाऊंगी। तो चलिए गाइस, नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, पहले चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई रेडी, ये देखिए जा रही फूल तोड़ने, फूल तोड़ के लाऊंगी, उसके बाद कान्हा को नहलाऊंगी। आज लेट हो रहा है कान्हा के स्नान में, लेकिन घर का काम भी तो है ना। तो दूध मैंने उनको दूध का भोग लगा दिया है, अब फूल तोड़ कर लेकर आती हूँ फटाफट। जब लेट हो ही गया है तो फूल भी तोड़ लेती हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी जब नहा रही होती हूँ अर्ली मॉर्निंग, इतनी जल्दी तो मैं फूल तोड़ने जाती नहीं हूँ। और मेरी बिंदी आज टेढ़ी क्यों हो गई? ये देखिए मैंने लहठी पहनी है और ये गोल्ड का कंगन है, मंगलसूत्र भी पहन लिया। चाची हमेशा टोक देती थी दुल्हन गला खाली नहीं रहना चाहिए, गला खाली नहीं रहना चाहिए, तो निकालने का असकत होता था, निकालती नहीं थी। लेकिन कंगन पहनना था मुझे, क्योंकि घर में हूँ, कहीं बाहर तो जा नहीं रही हूँ, तो सोची जब घर में हूँ तो कंगन में पहन के रखती हूँ। वैसे बाहर जाती हूँ तो काफ़ी हैवी कंगन है ना, इसलिए मैं खोल के रख देती हूँ।
इतना हैवी कंगन पहन के बाहर जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाता है ये छोटी मोटी चीजें करने में ना, काफी लेट हो जाता है। यशवीर चलिए फूल तोड़ना है, आप नाइन नाइन नहीं ना किए, लो पकड़ो इसको लो। क्यों ये? हाँ मिला ना वो ये भी लो, आप ये लो ना, दोनों ले चलो ना। ओके दोनों ले चलिए। आज ये मेरा देसी लुक एकदम गांव की बहुरिया। मौसम चेंज हो गया है ना, इसलिए इतनी धूप तेज हो गई है। तो अब चलो पूजा करते हैं, कान्हा को भी नहलाएंगे। चाबी चाबी यहाँ रखा है, मुझे लगा भूल गए हो क्या। लगाओ मम्मा, आपको एक चीज बताने देता हूँ। बताओ। देखो अगर जब खोलना है ना चाबी को इधर घुमाना है, लाइट साइड। अच्छा इधर। अच्छा इधर घुमाना, और जब बंद करना है तब इधर घुमाना। ये बात है। हाँ। ले, अरे ये कैसे लगा रहे, कुंडी तो लगा है नहीं। चला चल दिखल, चला दिखल दिखल। उत्कला है और जब मन कला है तब यहाँ कस के दबाओ और यहाँ पैसे करके इधर घुमा दो। देखो हो गया ना। तो मैं अब आ गई हूँ मेरे ठाकुर जी के पास और इनको मैं अष्टगंध से स्नान करवाऊँगी। तो वीक में एक बार थर्सडे के दिन मैं इनको अष्टगंध से स्नान कराती हूँ, या फिर पूर्णिमा जिस दिन होता है उस दिन अष्टगंध से और दूध से स्नान कराती हूँ। तो आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे के दिन दूध से, और तुलसी जी में भी मैं दूध का अर्घ देती हूँ। कहते हैं वीरवार के दिन ना तुलसी जी में दूध का अर्घ जरूर देना चाहिए। तो इसके बाद मैं कान्हा को दूध से नहलाऊंगी। मेरे पास शंख है लेकिन शंख की जो सामने वाली नोकी होती है ना वो टूट गई है, तो मुझे पता नहीं वो खंडित है, उसका यूज़ करूँ कि ना करूँ। तो मैं खंडित है यूज़ पता नहीं करना है कि नहीं करना, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, यूज़ तो रखी हुई है। और नहलाने के बाद इनको मैं पहनाऊंगी येलो ड्रेस। तो आज मैंने भी येलो ड्रेस पहनी और मेरे ठाकुर जी भी आज येलो और लाल ड्रेस पहनेंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जिस कलर की ठाकुर जी ड्रेस पहनते हैं उसी कलर की मैं पहनती हूँ, तो मुझे अंदर ही अंदर ना बड़ी खुशी होती है। और गुलाब जल से मैंने इनके पूरे बॉडी को टच कर दिया है ताकि ये दिन भर महकते रहे। और मोर पंख से मैं इनका श्रृंगार करूँगी। बहुत से लोग स्टिक का टूथपिक का यूज़ करते हैं इनको श्रृंगार करने के लिए, तो मेरी यही एडवाइस है कि आप मोरपंख का यूज़ कीजिए। मोरपंख भी वैसे भी उतना ही अच्छा श्रृंगार होता है जितना कि टूथपिक से आप करते हो। और ये मैंने रॉली है ये, तो उससे मैं इनके तिलक लगा रही हूँ। माथे पे मैंने पूरा गोपी चंदन लगाया है और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद फिर इनको ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो आज मैं येलो और पिंक और रेड रेड कॉम्बिनेशन से मैं इनका श्रृंगार करूंगी और
इनके ज्वेलरी पहनाऊंगी। तो जब भी आप कान्हा के सिर पे पगड़ी रखते हैं ना, मुकुट पहनाते हैं, तो दोनों हाथों से प्यार से इनको मुकुट पहनाइए। और ये सुच्चा मोती है, बिल्कुल प्योर मोती है, तो ये इनको पहनाऊंगी। ये मैं प्योर मोती हमेशा इनके गले में पहना कर रखती हूँ। ये झुनझुना है, तो ठाकुर जी की जब ज्वेलरी बनवाई थी तो उस समय मैंने झुनझुना भी बनवाया था। इनके पास मोजरी, पैर में खड़े और गले में भी चांदी की ज्वेलरी है। और कभी अगर ये चाहे तो गोल्ड का भी इनके लिए बनेगा। तो श्रृंगार कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद मैंने इनको शीशा दिखाया है, परफ्यूम इनके पूरे ड्रेस पे स्प्रे कर दिया है, और मैंने इनको काला टीका भी लगाया था। तो श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को काला टीका जरूर लगाएं। देख लीजिए, सब एकदम आराम से रामायण देखने बैठ गए और मैं किचन में लगी हूँ। देखो बॉस घर के कैसे लेटे आराम से, जैसे कि महाराजा जैसे लेटे हुए, और एक ये छोटे जनाब और वो बड़े जनाब। और मैं किचन में चुप हो जाओ, क्या मेरी लिपस्टिक खराब कर दोगे तुम? अभी सब्जी बनाना बाकी है, हलवा पूरी बनाना बाकी है, हलवा पूरी। मेरा टीवी पे उठने का, टीवी पे मतलब टीवी के सामने से उठने का मन नहीं कर रहा है। महाभारत रामायण, महाभारत रामायण जो सब का नाम ले लो, एक का भी नहीं छोड़ना। राम बोलो, लक्ष्मण बोलो, अभी ना 11:15 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में हलवा पूरी बनाने के लिए, क्योंकि कान्हा को पचमेवे का भोग लगा दी हूँ। पूजा वूजा मैंने कर ली है, जाप मैंने नहीं किया है। जाप जब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी ना हलवे पूरी का, उस समय मैं जाप करूंगी। और बाहर जो कि ध्वजा आज चेंज होना था लॉकडाउन की वजह से, मैंने ही मना कर दिया और पंडित जी भी बोलने लग गए, तो अब वो पूर्णिमा को, या तो इस पूर्णिमा या फिर नेक्स्ट पूर्णिमा को ध्वजा चेंज होगा। और नीचे दोनों तेजस्वरेश्वर के हाथ से मैंने पूजा करवा दी है। अब मैं हलवा पूरी बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, उसके बाद में कुछ खाऊंगी। अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है। और ना मैंने यहाँ पे जो है आलकिन से पल्लू को टक कर रखा है, इस करके पल्लू गिर नहीं रहा, नहीं तो अभी तक कितनी बार गिर गया होता। तो मैं फटाफट हलवा पूरी बना लेती हूँ। दाल चावल मैंने बना दिया था, तो मुझे पता था कि काफ़ी लेट हो जाएगा, तो दाल चावल बना दी हूँ। सभी खा चुके हैं, मैं ही नहीं खाई हूँ। अब हलवा पूरी का भोग लगा कर उसके बाद में खाऊंगी। तो देखिए गाइस, मैंने भोग निकाल लिया है, एक है मेरी माता रानी के लिए और एक है मेरे ठाकुर जी के लिए। और तुलसी दल हमेशा जब कान्हा को भोजन सर्व करे उसी समय रखें, किचन से तुलसी दल ले जाकर नहीं रखना चाहिए। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे शिवलिंग है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैं अभी सोकर उठी हूँ, सो गई थी, कितने बज रहे थे उस समय पता नहीं कितना बज रहा था, जब सोई थी उस समय पता नहीं, टाइम नहीं पता कितने बज रहे थे, लेकिन अभी 6:45 बज रहे हैं। सो गई थी, सारा काम करते करते ना, मतलब नाश्ता करते करते, पूजा पाठ भोग लगाते हुए, साढ़े 12 बज गए थे। फिर उसके बाद तो किचन में हस्बैंड है, दोनों बच्चों को दूध दे रहे हैं
मुझे भी दूध ही देंगे पीने के लिए। मैं बोल रही चाय दे दो, काली मिर्च डाल के थोड़ा सा आराम होगा तो, नहीं दूध पियो शरीर गर्म होगा। मैं दे दो चलो, तो दूध बना रहे हैं बच्चों का भी मेरा भी। अभी अंधेरा होने को है वैसे तो। अरे बाप रे, बर्तन बर्तन बहुत है धोने के लिए, धो ही नहीं थी सुबह से, वैसे ही था, बहुत ज्यादा बर्तन हो गए। करूंगी साफ थोड़ी देर में, चाय पी के फिर साफ करूंगी बर्तन, उसके बाद देखते हैं क्या बनाती हूँ डिनर में। बच्चों को दूध दे चुके हैं हस्बैंड ही, मुझे चाय दिए हैं, चाय पीऊंगी ब्लैक टी। अभी मार्केट तो जा नहीं रहे, नहीं तो लेमन टी पीते। ब्लैक टी है, हस्बैंड ने लिए, सिर्फ मुझे को दिए बनाकर। आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं करूंगी क्योंकि अब मैं अपने काम में लगूंगी, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत लेट होने लगता है काम वीडियो बनाने के चक्कर में। कैमरा सेट करो, अभी बर्तन बहुत है तो फटाफट बर्तन धो लूँगी ना, फिर सही रहेगा, नहीं तो आज मेरा रामायण फिर मिस हो जाएगा 9 बजे। एक पैर किचन में, एक पैर इधर हॉल में, रामायण देखने के चक्कर में रहेगा। तो इस करके जा रही बर्तन धोने, सब्जी कट करने, पहले तो जोत जलाऊंगी, फिर उसके बाद बर्तन साफ करूंगी, फिर सब्जी कट करूंगी, फिर डिनर बनाऊंगी और उसके बाद बैठ जाऊंगी आराम से रामायण देखने। और ये देखो छोटे मियाँ को के यशवीर बाबू, ये लगता है कोई आया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय।